हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टॉकिंग टेक्सटबुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के सेकंड वीडियो लेक्चर में। बेटा, कुछ जो बातें हुई थी पिछले लेक्चर में, जरा मैं उनको भी क्लियर करूंगा, उन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, जैसा कि मैंने एक आपको कमेंट पिन भी किया था। मगर उससे पहले क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ये करना है भैया कि ये चारों जो है, इन्हीं के साथ जो और भी फैकल्टीज हैं, वो मेरे साथ के बहुत ही बढ़िया फैकल्टीज हैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं 6 से लेकर के 8 तक के ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस एंड पीआरएमओ जो हायर लेवल के ओलंपियाड्स होते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन जो आप बड़ी क्लासेस में जाकर के सीखना शुरू करेंगे, तो वो हमने अभी से कराना शुरू कर दिया है। और उसके साथ बहुत ही बढ़िया सी चीज जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है एनटीएससी, यानी कि किसकी प्रिपरेशन भैया, इन चीजों की प्रिपरेशन जो कि आपके हैं, क्या हैं, आपके पेपर हैं, कौन से स्कूल के पेपर हैं बेटा। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं आपसे, तो क्या चीज है, अगर हमारा बनाया हुआ कोई भी स्टडी मटेरियल या डीपीपी या सैंपल टेस्ट पेपर आप देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड। जैसे ही आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो आपको अपनी कक्षा यानी कि 7वीं क्लास का जो ग्रुप है TTB07, उसको जाकर के फटाफट से ढूंढना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां मटेरियल देख करके अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें वो मटेरियल खरीदना चाहिए, तो क्या करना है, ये करना है भैया, यही करके दिखाना है कि talkingtextbooks.in की वेबसाइट पे जाना है, वहां जाकर के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाना है, अपनी क्लास यानी कि 7वीं कक्षा या 7th क्लास का सेक्शन को सेलेक्ट करना है, जो कि मेंशन हो रखा होगा कैसे कैसे फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स फॉर क्लास 7th के नाम से मेंशन हो रखा होगा, उसको सेलेक्ट कीजिए। वहां जैसे ही तुम अंदर जाओगे, तो तुम्हें दिखेगा इस तरीके का एक टैबलेट बना हुआ, वहां पे एक छोटा वाला टैबलेट भी बना हुआ है जो कि थोड़ा सा कम रेट का है, मगर उसके अंदर क्या है कि स्टडी मटेरियल नहीं है। तो तुम अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो तुम्हें स्टडी मटेरियल डेफिनेटली चाहिए होगा, क्योंकि जो होमवर्क तुम्हें दिया जाता है वो उस ही स्टडी मटेरियल के दम पे दिया जाता है बेटा। तो क्या करना है, उदाहरण के तौर पर तुम्हें एक 9000 वाला टॉप मोस्ट पैकेज जो है 6ठी कक्षा का यहां दिखा रखा है, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही एक पैकेज हम लोगों ने बना रखा है। उसमें तुम्हें मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव एंड रिकॉर्डेड टीटीबी एक्सपर्ट्स की क्लासेस, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, फैसिलिटी जी हां, फैसिलिटी कहां है, ये है गूगल क्लासरूम एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बाई वीकली क्विजेज, जो कि है हर एक सप्ताह के अंदर 2 बारी क्विज देने का मौका, बेहतरीन मौका है बेटा, इसको फटाफट से पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे, बाय नाउ पे क्लिक करो और आ जाओ प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे। जैसे ही तुम प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे आते हो, तुम्हें क्या करना है, डिस्काउंट कूपन में लगाना है ये बहुत ही बढ़िया सा कोड जो कि है AKLIVE, इससे तुम्हें 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 30% डिस्काउंट मिलेगा तो तुम्हारा पैकेज जो है वो 6300 रुपए का रह जाएगा। फटाफट से बाय पैकेज पे क्लिक कर दो। और एक जो छोटी सी चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि 14 जून से पहले अगर तुम जो है पैकेज खरीद लेते हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है इस कोड का इस्तेमाल, इस कोड का इस्तेमाल। इससे क्या होने वाला है, इससे तुम्हें 40% डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। तो मेरा कोड भी अगर यूज नहीं करते हो, तो भी क्या करो, TTB Live 40 यूज कर लो, तो 40% का डिस्काउंट पालो और फटाफट से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करो, अपना मटेरियल जो है हमारे थ्रू अपने घर पे अपने हाथों में पाओ और होमवर्क करना शुरू कर दो। जैसे ही तुम होमवर्क करना शुरू करोगे, वीडियो देखना शुरू करोगे, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चैप्टर या लेक्चर को शुरू करने से पहले कर लेते हैं कार्डिनल प्रॉमिस, जो कहता है आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ बेटा, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, और ये जो प्यारा सा वर्ड मैंने काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है वो है आई प्रॉमिस। तो फटाफट से वादा करो कि तुम सारी चीजों का नोट्स बनाओगे। चैप्टर की शुरुआत हो रही है बेटा, तो ध्यान से मेरे साथ बने रही है। प्लेइंग अल्फाबेट्स चैप्टर का नाम है। कक्षा जो पहली थी वो तुमने अटेंड करी होगी, और डेफिनेटली अटेंड करने के बाद तुमने जो है इस तरीके के कुछ
लेक्चर के प्री रिक्वेसाइट्स, कीवर्ड्स और लर्निंग आउटकम्स को देखा होगा, फिर आगे तुम आए होगे तो तुम्हें दिखा होगा इस तरीके का एक सीरीज जिसमें मैंने ये बताया है कि तुम्हें किस टेक्निक के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, साथ ही साथ एक बढ़िया सी टेक्निक जहां 23, 18, मिडिल, 20, 8, 5 ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये मैंने तुम्हें बता रखी है। वीडियो को देखो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। कहां से देखोगे? लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना तो यहीं से फोटो खींच लो बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तीन तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने तुम्हें सॉल्व कराए थे। और जो था भैया बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट जो था, तुम लोगों ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि सर 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन और 13th क्वेश्चन में जो है गड़बड़ दे रखी है सर। तो बेटा गड़बड़ का जो मैंने जवाब तुम्हें दिया था वो दिया था कि भैया अबव जहां लिखा हुआ है वहां पे तुम्हें अल्फाबेट लिख लेना है। क्या लिख लेना है? ALPHA अल्फाबेट लिख लेना है, और तुम्हारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको स्टैंडर्ड मान करके तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुम लोगों ने कहा 11th क्वेश्चन गलत है। नहीं बेटा 11th क्वेश्चन गलत नहीं है। इस सीरीज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 26 अल्फाबेट्स एक सीरीज के अंदर मेंशन है। दो सीरीज तुम्हें दे रखी है, उस सीरीज के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसी के साथ तुम देखोगे 13th क्वेश्चन तो उसमें भी ऐसी ही एक सीरीज दे रखी है जिसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि 26 अल्फाबेट्स चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है? इस पर्टिकुलर गिवन सीरीज के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि हम लोगों ने किया। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस भी तुम लोगों को कराए थे। पहला सवाल मेरा जो है आज की कक्षा के लिए वो कह रहा है विच लेटर इज द मिडवे बिटवीन 22nd लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 21st लेटर फ्रॉम द राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जो हम यहां करने वाले हैं। थोड़ा सा तुम लोगों को डाउट आएगा, थोड़ा सा जो है परेशानी होगी, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बना हुआ हूं। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो और उसमें मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तुम्हें जो नजर आ रहा होगा वही मुझे भी नजर आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस सवाल के अंदर 26 लेटर्स की अल्फाबेटिकल सीरीज को लिख लेते हैं। ये भैया मैंने लिख लिया, मतलब मैंने लिखा नहीं है, मतलब यार ठीक है यार, समझ जाओ यार, जादू से आ गई है। तो क्या किया गया है, इस जादू के साथ तुम्हें यह पता चलता है कि 22वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड क्या होने वाला है। जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से जैसे ही तुम मुझे बताओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 22वां लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट साइड या तुम्हारी लेफ्ट साइड या तो मेरी लेफ्ट साइड क्या होने वाला है। बेटा क्या होने वाला है, यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 22वां लेटर ये होने वाला है। क्या होने वाला है? एनडी। 22nd के साथ टीएच नहीं आता सर, एनडी आता है। क्या हुआ भैया, 22वां लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड यानी कि यहां से काउंट करते हुए चलोगे तो 22वां लेटर तुम्हें मिल जाएगा वी के फॉर्म में। उसके बाद तुमसे पूछा गया है, उसके बाद तुमसे क्या पूछा गया है, 21st लेटर फ्रॉम द राइट साइड। तो क्या करना है, यहां से चलना है। टेक्निक तुम्हें पहले ही पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। तो क्या हुआ, क्या हुआ, 21वां लेटर कहां आएगा, यहां आएगा बेटा। तो कैलकुलेशन तुम्हें पता है किस तरीके से करनी है, किस तरीके से करनी है। 21 हुआ, ये वाला जो है 26वां हुआ, तो पीछे आओगे यानी कि 25, 24, फिर 23, फिर 22 और ये 21वां लेटर क्या हुआ, यहां से काउंट करना शुरू किया यहां के लिए। तो 21st फ्रॉम द राइट साइड ये हुआ, 22nd फ्रॉम द लेफ्ट साइड ये हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है कि इन दोनों अल्फाबेट्स के बीच में किस किस के बीच में बेटा, एक और यहां पे दो, इन दोनों के बीच में जो अल्फाबेट आ रहा है उसको हमें मार्क कर देना है। तो जब तुम यहां से देखोगे तुम्हें यहां नजर आएंगे कितने अल्फाबेट्स, ये हैं बेटा 15, गिनती में 15 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, 15 अल्फाबेट्स अगर ये हैं तो क्या होगा, मिडिल लेटर कौन सा होगा, मिडिल लेटर जो होगा जिसके इस तरफ और इस तरफ यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में 7-7 अल्फाबेट तुम्हें नजर आ रहे होंगे। तो अगर तुम बड़े ध्यान से इन चीजों को देखोगे तो इंक जो है हम चेंज कर रहे हैं, जैसे ही हम इंक चेंज करते हैं तुम्हें साफ साफ चीजें नजर आने लगेगी। क्या करना है बेटा, ये 7 अल्फाबेट्स यहां से हुए, ये 7 अल्फाबेट्स यहां से हुए, जरा गिनती ध्यान से करना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, उसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो N जो है मेरा मिडिल अल्फाबेट आ रहा है किसके बीच में, F और V के बीच में मेरा मिडिल अल्फाबेट आ रहा है, क्या N। लेकिन अगर मैं ध्यान से ऑप्शंस को देखूं तो मेरे पास N कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा,
डी ऑप्शन को टिक कर दूंगा जो कि कहता है नन ऑफ दीज, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे फिर से सवाल कर लो। कहां करोगे? कमेंट बॉक्स में सवाल डाल दो, उसका जवाब तुम्हें तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा जो कहता है वो कहता है इफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। क्या करना है भैया? अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। अभी लिख लेंगे सर। उसके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द एट्थ लेटर फ्रॉम योर राइट। अरे भाई, ये क्वेश्चन तो सर वही वाला आ गया जिसमें आपने बताया था कि हमें जो है उल्टा क्वेश्चन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, चलिए आइए देख लेते हैं। पहला पार्ट इसने कहा अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टे तरीके से लिख लो, तो यहां देख लो भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उल्टा लिख दिया है। चलिए अब इस सवाल को उल्टा पढ़ना शुरू करो, यानी कि यहां से पढ़ना शुरू करो। जब तुम इस सवाल को यहां से पढ़ना शुरू करते हो तो तुम्हें क्या नजर आता है? एट्थ लेटर फ्रॉम राइट लेना है। कहां से लेना है? राइट साइड यहां है, तो यहां से गिनती करना शुरू करो। जब तुम एट्थ लेटर की बात करते हो तो एट्थ लेटर जो है वो तुम्हारी राइट साइड से क्या होने वाला है? ये होने वाला है भैया, जैसे ही काउंट करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि एट्थ लेटर जो है एच होने वाला है। जब एच मेरा एट्थ लेटर है तो अब क्या करना है? यहां आओ, ये जो लाइन लिखी है इसको पढ़ो। ऑफ, ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ तुम्हें ध्यान से देखना ही रहा होगा, चलो मैं दिखा देता हूं। आओ भाई, ऑफ लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखो। यहां जैसे ही तुम इस ऑफ को देखते हो, ये जो ऑफ लिखा हुआ है यहां, इसको देखो और तुम्हें पता चलेगा तुम्हें इस एट के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को निकालना है। तो सेवेंथ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ एट्थ लेटर फ्रॉम योर राइट, एट्थ लेटर हम निकाल चुके हैं, एट्थ पोजीशन ये हो गई। अब इसके लेफ्ट साइड में सातवा लेटर कैलकुलेट करना है तुम्हें। क्या करना है बेटा? सातवा लेटर कैलकुलेट करना है। जैसे ही तुम सातवा लेटर कैलकुलेट करोगे तो गिनती गिनते जाओ, ये हुआ तुम्हारा सातवा अल्फाबेट या लेटर, सेवेंथ अल्फाबेट और सेवेंथ लेटर। ठीक है, सेवेंथ लेटर तुम्हारा हुआ ओ, फटाफट से इसको मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। चलिए अगला सवाल जो मेरे पास आने वाला है उसको जरा मैं ध्यान से देख लूं। ये कहता है, क्या कहता है बेटा? ये कहता है इफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड इन ऑर्डिनेट वर इंटरचेंज्ड, ऑल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ वर इंटरचेंज्ड एंड देन द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वर इंटरचेंज्ड, व्हिच लेटर वुड बी द एट्थ काउंटिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। इस क्वेश्चन में को मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगा, ये तुम्हारे लिए एक प्यारा सा होमवर्क है। ट्रिक जो है वो मैं लिख देता हूं या बता देता हूं कि करना क्या है, करना क्या है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है पहले और दूसरे तीसरे और चौथे पांचवे और छठे को और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जो है सारे वर्ड्स को चेंज करते जाओ, सॉरी अल्फाबेट्स को चेंज करते जाओ। तो क्या लिखा हुआ है? इन और डी नेट, यही लिखा हुआ है ना। अब क्या करना है? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा पांचवा छठा सातवा आठवा नवा और दसवा ये है। क्या करो? इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों को और इन दोनों को चेंज कर दो। जैसे ही तुम इन दोनों को चेंज करोगे उसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना है? उसके बाद तुम्हें पढ़ना है ये, विच लाइन वुड बी, सॉरी विच लेटर वुड बी द एट्थ काउंटिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ना है। यहां ध्यान रखो, तुम ये सवाल कर सकते हो कि सर आपने तो कहा था टुवर्ड्स वाला वर्ड यूज होगा, पर टुवर्ड्स को अगर आप दूसरे लैंग्वेज में पढ़ोगे तो ये यहां साफ साफ लिख रखा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड पर जाना है, यहां आना है भैया। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और अगर क्वेश्चन नहीं आए तो भी मुझे बता देना बेटा, क्वेश्चन देख लिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चौथा सवाल मेरा क्या कहता है? चौथा सवाल मेरा कहता है कि विच लेटर वुड बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ट्वेल्थ फ्रॉम द राइट इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स्ड। इस क्वेश्चन को भी बड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें
आखिरी वाला हिस्सा जो है वो पहले करना है। क्या आखिरी वाला हिस्सा है भाई? अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मगर कितनी अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है? सेकेंड हाफ। ये जो सेक्शन है इसको बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज हैज टू बी रिवर्स्ड। उसी के बाद जो है ये पोजिशन वाला खेल हमें खेलना है। आइए क्या करना है भाई, हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। ये ध्यान से अगर आप इस अल्फाबेटिकल सीरीज को देखोगे तो सेकेंड हाफ जो है हमने उल्टा लिखा हुआ है। ये तो हुआ आपका फर्स्ट हाफ, ठीक है बेटा जी, और ये हुआ आपका सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ को मैंने उल्टा लिख दिया है, जरा ध्यान से देखो, यहां पे Z नहीं आता, पर अगर आप इसको उल्टा लिखते हो तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ये आपका उल्टा आ जाता है, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये आपने उल्टा लिख दिया है, अब क्या करना है? अब फिर से आओ इस सवाल को उल्टा पढ़ते हुए चलते हैं। 12th लेटर फ्रॉम द राइट के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है 4th लेटर। कैसे निकालोगे बेटा? फटाफट से इस सवाल को देखो और मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं बता रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें क्या करना है। 12th लेटर तुम्हारा राइट साइड से क्या होने वाला है? राइट साइड कहां है पहले तो मुझे ये बता दो। राइट साइड तुम्हारी यहां है। राइट साइड से जब तुम चलोगे तो तुम्हारा 12th लेटर होने वाला है ये भाई साहब जो शुरू हो रहे हैं वाई से और खत्म भी वाई पे हो रहे हैं, तो तुम्हारा 12th लेटर क्या होने वाला है? वाई। सर कैसे बताया? अरे भैया यहां से काउंट करोगे, इसको वन मानोगे तो ये 12वीं पोजीशन ही होगी। कैसे होगी? चलो इधर चलो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। पहुंच गए क्या? हाँ सर पहुंच गए, तो बोलो भाई पहुंच गए। और जैसे ही तुम पहुंच गए तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया बेटा। जैसे ही तुम यहां पहुंच गए तो तुम्हें क्या करना है इस 12th लेयर रेस्पेक्ट में 4th टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब इस 12th का लेफ्ट साइड कहां है जरा मुझे बताओ तो, क्या यहां है लेफ्ट साइड? क्या यहां है? क्या नहीं है लेफ्ट साइड? यहां क्या है? लेफ्ट साइड यहां है। जैसे ही तुम यहां बढ़ते हो यानी कि आगे बढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा जो चौथा अल्फाबेट है लेफ्ट साइड में वो कहां है? 1, 2, 3 और 4, ये तुम्हारा चौथा अल्फाबेट हो गया भैया। कैसा हो गया जरा फटाफट से देख लो, कौन सा अल्फाबेट तुम्हारा चौथा अल्फाबेट है? मैंने कहा था 1, 2, 3 और 4, सॉरी कहां से काउंट करना है? 1, 2, 3 और 4, के पे ही किया था पहले भी, अभी भी के पे ही कर रहे हैं, ये हुआ तुम्हारा चौथा अल्फाबेट, ठीक है। जहां भी तुम्हें ऑप्शन दिख रहा हो उसको फटाफट से मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। क्या करना है जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले हमने क्या किया, आधी अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, ये लिखा हुआ है भाई। उसके बाद राइट साइड से चले 12वीं पोजीशन की तरफ जो कि आई हमारी यहां, ठीक है। फिर उस 12th पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमने निकाला 4 अल्फाबेट टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि चौथा अल्फाबेट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये चौथा अल्फाबेट टुवर्ड्स द लेफ्ट है के, ठीक है। क्या करो, बी को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। चलिए ध्यान से देख लिया ना बेटा, 1, 2, 3, 4 काउंट हो चुका है। चलिए अब क्या करें भाई सर, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो मेरा है वो कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज फाउंड इन द डिक्शनरी। ये सवाल मैंने तुम्हें पहले भी करा रखा है, मतलब इस तरीके का सवाल कि भाई डिक्शनरी को या डिक्शनरी की तरह इन अल्फाबेट्स को जो है जमाना शुरू करो और वर्ड्स को जमाते जमाते तुम्हें क्या करना है कि ऑर्डर बताना होता है। मगर इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस सवाल में यह पूछा है कि पहले तो क्या करो, इन वर्ड्स को डिक्शनरी के फॉर्मेट में जमा लो, ठीक है। उसके बाद अगला मेन सवाल जो है वो यहां शुरू होता है, देन व्हाट विल बी द 4th लेटर ऑफ या फ्रॉम द लेफ्ट इन द लास्ट वर्ड। मतलब डिक्शनरी के फॉर्मेट में जब तुम इस सवाल को जमा लोगे तो तुम्हें यह जवाब देना होगा कि तुम्हारे लास्ट वर्ड का जो 4th लेटर है वो भी कहां से? लेफ्ट साइड से। वो क्या होने वाला है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इनमें से ये इन्वेस्टिगेट कि लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मेरा लास्ट वर्ड डिक्शनरी में क्या आने वाला है। तो मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि आई जो है यानी कि अल्फाबेट्स की पोजीशन से हम पता करेंगे कि हमारा लास्ट जो है वर्ड कौन सा होने वाला है। तो आओ जरा देख लेते हैं। जैसे ही तुम देखोगे
तो आई तुम्हें जो है सारे वर्ड्स में नजर आएगा, फिर तुम्हें एन भी सारे वर्ड्स में नजर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का तो काउंटिंग करते ही नहीं है, नहीं करते भाई, करते ही नहीं है, कुछ नहीं करना, कतई नहीं करना। तीसरे जब अल्फाबेट पे तुम आते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत चेंज दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, यहां तीसरा अल्फाबेट तुम्हारा टी है, यहां एफ है, यहां फिर टी है, ये फिर टी आ गया और यहां एस आ गया। तो क्या करो, फटाफट से तुम एस टी और एस टी और किसका निकालना है, एफ का निकालना है, एफ का ऑर्डर देख लो। मैंने तुम्हें बता रखा था शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कि टी जो है उसका पोजीशन होता है 20th, ठीक है। एस जो है टी से जस्ट पहले आता है, इसका मतलब 19th, बता रखा है, याद किया होगा तो डेफिनेटली याद होगा, नहीं किया होगा तो नहीं याद होगा। ए बी सी डी ई जो होता है, ई यानी कि ई से बन रहा था 5, क्या बन रहा था बेटा 5, 5 मतलब फिफ्थ पोजीशन, यानी कि फिफ्थ पोजीशन किसकी थी, ई की। तो ई जो है फिफ्थ पोजीशन पे अगर है तो ई के जस्ट बाद आता है क्या, ई एफ, क्या आता है, एफ, यानी कि छठी पोजीशन पे। अब तुम्हें क्लैरिटी मिली, तुम्हें बताना था आखिरी वर्ड, तो तुम्हें यह पता चल गया कि जहां पे एफ आ रहा है यानी कि इंफॉर्मेशन, क्या आ रहा है, इंफॉर्मेशन, वो तो आएगा तुम्हारा पहला वर्ड। कैसे आएगा बेटा, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से एफ जो है छठी पोजीशन पे है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हारा पहला वर्ड आएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को तो कैंसिल कर दो, क्योंकि तुम्हें क्या बताना है, लास्ट वर्ड बताना है पहले, तो ठीक है। अब तुम्हारे पास वर्ड बचते हैं टी 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 और एस वाले। एस की पोजीशन होती है 19th, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आएगा तुम्हारा एस वाला वर्ड, यानी कि इंस्टिगेशन, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब जो है मेरे पास बचते हैं टी पोजीशन वाले 3 वर्ड्स। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं आऊंगा चौथे अल्फाबेट की तरफ। आ जाओ भैया, जैसे ही तुम चौथे अल्फाबेट की तरफ आते हो तुम्हें दिखाई देता है आई और ई। तो मैंने तुम्हें फिर से बताया था कि ई की पोजीशन होती है 5 और आई की पोजीशन कितनी होती है बेटा, बताओ फटाफट बताओ, आई जो आता है एच के बाद आता है, तो एच की पोजीशन अगर 8 है तो ये 9 हुआ ना, ये लो भाई 9th पोजीशन। तो इसका मतलब कौन जीता, ई जीता। यानी कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड है मेरा क्या है, इंटीमेशन, इंटीमेशन जो है लास्ट में आएगा। कैसे आएगा भैया, इंटीमेशन जो लास्ट में आएगा वो आएगा पोजीशन के दम पे। कैसे आएगा इंटीमेशन लास्ट में आएगा पोजीशन के दम पे, क्यों, क्योंकि ई ई आर आर इनमें लड़ाई चलती रहेगी, हमें चाहिए लास्ट वर्ड जो हमारे ई और आई की पोजीशन से डिफाइन हो रहा है। ई की पोजीशन ज्यादा है तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो पहले आ जाएंगे और आई वाला वर्ड जो है वो लास्ट में आएगा। तो इंटीमेशन जो हमारा वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। जैसे ही हम इंटीमेशन शब्द को अलग निकालेंगे, कहां निकालें सर, क्या करो भाई, फटाफट से जो है जो तुम्हारी चीजें तुम्हें परेशान कर रही हैं उनको तुम मिटा दो। ये मिटा दिया सर। जैसे ही तुम इनको मिटाते हो तुम्हें जगह मिल जाती है, तो क्या करो, इंटीमेशन जो तुम्हारा लिखा हुआ है जो कि तुम्हारा लास्ट वर्ड होने वाला है, ध्यान से देखो इस सवाल को, तुम्हें पता है कि इंटीमेशन तुम्हारा लास्ट वर्ड कैसे हुआ है, रैंकिंग के हिसाब से हुआ है। तुमने कैलकुलेशन की थी इंटेरोगेशन, इंटरेस्ट और इंटीमेशन के बीच में, करी थी ना भाई, बिल्कुल करी थी सर, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता चला कि इंटीमेशन तुम्हारा आखिरी वर्ड है और ये टी और इंटेरोगेशन में से जो है कोई वर्ड फिफ्थ या फिर फोर्थ पोजीशन पे आने वाला है, ठीक है। तो इंटीमेशन जब तुम्हारा लास्ट वर्ड हुआ, सॉरी फोर्थ या थर्ड पोजीशन पे, इन दोनों में से आएगा, और फिफ्थ पोजीशन पे आएगा तुम्हारा इंटीमेशन। जब तुम इंटीमेशन की बात करते हो तो अब सवाल ने पूछा है कि फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अब इस वर्ड के अंदर तुम्हें बताना है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड तुम्हारी कहां है जरा मुझे ध्यान से बताओ, देख करके, यहां है लेफ्ट साइड, यहां है। जैसे ही तुम तुम्हारी लेफ्ट साइड का फोर्थ लेटर कैलकुलेट करते हो तो तुम्हें मिलता है आई ऑप्शन के अंदर, क्या मिलता है, आई ऑप्शन के अंदर मिलता है फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या करो, डी ऑप्शन को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। जरा इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लो, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला सवाल है। क्या कहता है, यह कहता है कि पहले तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि भैया मेरा
आखिरी वर्ड क्या होने वाला है, और उसके बाद फिर मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि आखिरी वर्ड के अंदर लेफ्ट साइड से चलने पे चौथा अल्फाबेट कौन सा आने वाला है। तुमने क्या किया, सबकी पोजीशंस को डिफाइन किया, उसके बाद तुमने क्या किया, एक एक ऑप्शंस को काटना शुरू किया। पहला ऑप्शन तुम्हारा जो कटा वो इंफॉर्मेशन कटा, क्यों, क्योंकि यहां पे एफ था और बाकी सब अल्फाबेट्स के अंदर टी या एस था, राइट। तो एफ वाला जो वर्ड है जो कि रैंकिंग में जो है फर्स्ट आता है, यानी कि सिक्स्थ रैंक जो है पहले आ जाती है 20th या 19th से, तो तुमने इस ऑप्शन को काट दिया क्योंकि तुम्हें लास्ट अल्फाबेट या लास्ट वर्ड चाहिए था, राइट। सो फिर तुम आए एस के ऊपर जो कि 19th पोजीशन थी, तो तुम्हें पता चला कि यह भी मेरा लास्ट वर्ड नहीं होने वाला है, आपने इसको भी काट दिया। टी जो कि थर्ड पोजीशन पे बैठा था, उस हिसाब से तुम्हें पता चला कि इंटिमेशन, इंटरेस्ट और इंटरोगेशन जो है ये हमारे तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान के शब्द होने वाले हैं। तो तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने फिर से टी की बात जो है चौथा अल्फाबेट चेक किया, तब तुम्हें पता चला कि आई और ई की रैंकिंग में और भी ज्यादा डिफरेंस है। तब तुम्हें पता चला कि ई जो है पहले आ जाएगा, यानी कि तीसरे और चौथे पायदान पे ई अल्फाबेट्स वाले वर्ड्स जो है यानी कि इंटरेस्ट और इंटरोगेशन आएगा, और पांचवे पायदान पे आएगा तुम्हारा इंटिमेशन। इस इंटिमेशन को पांचवे पायदान पे पाते ही तुमने क्या करा, इसके लेफ्ट साइड से चलना शुरू किया और आई को चौथा अल्फाबेट डिक्लेयर किया जो कि यहां पूछा गया है, ठीक है, वो तुमने आंसर निकाल दिया और यहां मार्क कर दिया और आगे बढ़ गए। चलिए, जैसे ही तुम ये देखते हो कि तुम्हें इस सवाल का आंसर मिल गया है, तुम चले जाते हो अगले सवाल पे। अगला सवाल तुम्हारा कहता है कि भैया एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, किसमें से बनाना है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर दे रखा है इसमें से बनाना है। जैसे ही तुम इन नंबर्स के नीचे अल्फाबेट जमाना शुरू करोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। क्या करना है भैया, ये नंबर दे रखे हैं, ये वर्ड सीरीज दे रखी है, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है, इसको जमाओ और अपना जवाब पालो। ऑप्शन ए को चेक करो जरा फटाफट से, ए एच वाई ई और वी, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सेकंड ऑप्शन चेक करो भैया, एच ए ई V और Y, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। जब तुम तीसरे ऑप्शन की तरफ आते हो तो तुम्हें बहुत ही प्यारा सा शब्द मिलता है, क्या मिलता है भैया, H E A V और Y, हैवी जो है एक मीनिंगफुल वर्ड है। हैवी का मतलब होता है भारी, भारी का मतलब ऐसी चीज जो तुम उठा ना पाओ वो तुम्हारे लिए भारी कहलाती है। तो उसको, उस भारी शब्द को हिंदी में कहा जाता है भारी और अंग्रेजी में कहा जाता है हैवी, ठीक है। हैवी जो है एक मीनिंगफुल वर्ड है, तो फटाफट से इस तीसरे कॉम्बिनेशन को टिक करो और अपना आंसर प्राप्त करो और अगले सवाल की तरफ अग्रसर हो जाओ। अगला सवाल तुम्हारा फिर से एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, जिसमें तुमसे पूछा गया है कि एक वर्ड सीक्वेंस तुम्हें प्रदान कर रखा है या दिखा रखा है, और तुम्हें इसमें से क्या करना है, डिक्शनरी का सीक्वेंस जमाना है और अपना सेलेक्टेड ऑप्शन हमारे सामने आकर के बताना है। इस सवाल को जब तुम ध्यान से देखोगे बेटा, तो तुम्हें जो है स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट्स फिर से अजीब से दिखेंगे। अजीब से क्यों दिखेंगे, क्योंकि इनसे मेरा आंसर नहीं आएगा सर, इसलिए मुझे ये अजीब से ही दिखते हैं। तो क्या करो, तीसरे अल्फाबेट की तरफ बढ़ जाओ, जहां तुम्हें तीसरे अल्फाबेट में डिफरेंस नजर आए वहीं पे कैलकुलेशन जो है अपनी शुरू कर दो। अब तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा कि सारे के सारे अल्फाबेट्स में तीसरा अल्फाबेट जो है वो डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां एल है, एल है, एल है, एल है और यहां एन है। तो तुम्हें यह पता चल गया ना कि तुम्हारा जो सेंड है वो लास्ट पोजिशन पे आएगा। कैसे, एल की पोजिशन और एन की पोजिशन में जो चीज देखने लायक होती है वो क्या होती है बेटा, M की पोजीशन होती है 13 और N की पोजीशन होती है 14, और M और N से पहले आने वाला अल्फाबेट होता है L, यानी कि 12th पोजीशन पे। कैसे पता सर, अरे भाई मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज याद है, देखो M होता है 13th पे, ये हुआ 12th पे, ये हुआ 14th पे, ठीक है। तो क्या करा,
एन की पोजीशन और एल की पोजीशन लिख ली, एल जो है लास्ट में आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको लास्ट में लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखता हूं तो मेरे सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स जो हैं उनमें थर्ड जो है लास्ट ऑप्शन ही है, तो भैया ये ऑप्शन वाला खेल तो मैं नहीं खेल सकता। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस से अल्फाबेटिकल रैंकिंग पे आना होगा जहां मुझे चौथे अल्फाबेट की रैंक को डिफाइन करना होगा। जैसे ही मैं चौथे अल्फाबेट की रैंक को डिफाइन करूंगा मुझे मेरा आंसर जो है स्पष्ट नजर आने लगेगा। जब चौथे अल्फाबेट की रैंक को आप डिफाइन करते हो तो तुम्हें करना है ई की पोजीशन को डिफाइन, देन डी की पोजीशन को डिफाइन, देन तुम्हें एफ की पोजीशन डिफाइन करनी है और फिर तुम्हें एल की पोजीशन, यहां ऑलरेडी तुमने लिख रखी है। ई की पोजीशन मैंने तुम्हें बता रखी है 5 होती है, डी की पोजीशन तुम्हें पता है 4 होती है और ई के बाद आता है एफ यानी कि छठी पोजीशन पे आता है। तो तुम्हें यह पता चल गया कि भैया ये जो वर्ड्स इन अल्फाबेट से बन रहे हैं उनकी पोजीशन तुम्हें साफ साफ नजर आने लगी है कि ई जो है पहले आएगा, उससे पहले आएगा डी और ई के बाद आएगा एफ। ठीक है, क्या करना है, सेलेक्ट जो है वो आएगा डी के बाद, यानी कि सेल्डम जो है तुम्हारा पहला वर्ड हुआ। कैसे हुआ सर, आपको कैसे पता? अरे भाई मुझे ऐसे पता कि एल की पोजीशन लास्ट है यानी कि ये जो है वो तीसरे के बाद आएगा। तो क्या करो, फटाफट से रैंकिंग देखो, तुम्हें पता है सेंड तुम्हारा लास्ट वर्ड है, उसके बाद तुम्हारा जो रैंक आया एल का आया लास्ट, किस किस में, ई डी एफ और एल के अंदर। तुमने क्या करा, सेलर को उठा करके सेंड से पहले रख दिया, यानी कि पांचवा जो नंबर है वो आएगा तीन के पहले पांचवा जितने ऑप्शंस में है उन ऑप्शंस को रख लो, बाकी सबको फेंक दो बाहर, इसको मत देखना, इसको भी मत देखना। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन बता है सी और तो ऑप्शन बचता है ए। क्या करो, अब जाओ अगले वाले की तरफ, एल के बाद वाली रैंक तुम्हें नजर आ रही होगी एफ, क्यों, 6, 4 और 5 में 6 सबसे बड़ी रैंक होती है, बड़ी मतलब अच्छी रैंक नहीं होती बेटा, पीछे वाली रैंक यानी कि बड़ी रैंक होती है, तो 6 जो है वो एल के बाद आएगा। तो क्या करो, एफ वाले वर्ड को फटाफट से जो है तीसरी पोजीशन पे जमा दो। जैसे ही तुम एफ वर्ड को तीसरी पोजीशन पे जमाते हो तो तुम्हें दिखता है तीसरी पोजीशन पे मेरे पास दोनों ही ऑप्शंस के अंदर 4 और 4 नजर आ रहा है। सर अभी भी मैं ऑप्शंस के साथ कुछ नहीं कर पा रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाद वाला अल्फाबेट चेक करना पड़ेगा जो कि है ई, यानी कि ई 5th पोजीशन पे है। तो क्या करो, सेलेक्ट जो है तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ई जो है तुम्हारा बढ़िया सा ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो क्या करो, फटाफट से ऑप्शन को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। समझ में आया क्या? आ गया भैया, चलिए। तो एल को मार्क कर दिया यानी कि 5th, 2nd पोजीशन पे आया, यहां आ गया। उसके बाद तुम्हारा 4th जो मतलब तीसरी पोजीशन पे जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए एफ वाला, यानी कि सेल्फिश। तो अब फिर से कंफ्यूजन, तो फिर क्या चेक करो, फिर चेक करो तुम उससे लोअर रैंक, यानी कि 1st जो वर्ड है वो तुम्हारा 2nd पोजीशन पे आएगा। फटाफट से देख लो, ये रहा, मार्क कर दो, चेक भी कर लो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या मैं सही ऑर्डर जमा चुका हूं। जी हां, मैं सही ऑर्डर जमा चुका हूं। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के हिसाब से हमें वर्ड्स को जमाना है और सवाल को समाप्त कर देना है। तो क्या करा हमने, हमने किया सेंड को सबसे लास्ट में जमा दिया ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है, ये वर्ड कट गया। उसके बाद तुमने कैलकुलेशन करना शुरू किया, कहां शुरू किया भैया, चौथे अल्फाबेट के दम पे तुमने कैलकुलेशन करना शुरू किया, क्योंकि इन सब में तीसरा अल्फाबेट जो है एल था यानी कि 12th पोजीशन पे। तुम्हें यह पता चल गया कि जो छोटी रैंक आएगी वो सबसे पहले आएगी, तो तुमने क्या करा, सारी रैंक्स लिख ली। जैसे ही तुम सारी रैंक लिख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सेल्डम जो है वो मेरा 1st पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तब तुम अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो तुम्हें यह नजर आता है कि सेल्डम तुम्हारा जो है 1st पोजीशन पे आएगा, मगर मगर मगर
ये जो रैंक्स हैं इनको चेक करना जरूरी है, इसलिए हमने उल्टी अप्रोच लगाई हुई थी और हमने पीछे से चेक करना शुरू किया। जब हम सेलर का चौथा अल्फाबेट देखते हैं तो एल आ रहा है, यानी कि बड़ी रैंक। तो इसके बाद आएगा सेलर, जो कि हुआ तीसरा पांचवा, राइट। फिर मैंने ध्यान से अगर देखा तो 12 से छोटी रैंक मेरे पास थी एफ, यानी कि मेरा सेल्फिश जो है वो आएगा तीसरी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद मैंने और ध्यान से इसको देखा तो सेलेक्ट जो है मेरा आया चौथी पोजीशन, यानी कि पीछे से चौथी बेटा, आगे से दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर और ध्यान से देखा तो सेल्डम जो कि चौथे अल्फाबेट की वजह से फोर्थ पोजीशन पे आ रहा था, वो मैंने यहां जमा दिया, ठीक है भैया। ये हमारा ऑर्डर हुआ, ये ऑर्डर जहां आपको नजर आ रहा है वो हमने मार्क ऑलरेडी कर दिया है। अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। अरेंज द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर अकरिंग इन द डिक्शनरी। क्या है भाई, तुम्हारे पास है एक मिनट का वक्त इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करो और मुझे जवाब दे दो। जैसे ही तुम इस सवाल को सॉल्व करोगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें करना क्या था। कर लिया क्या भाई? अरे फर्स्ट अल्फाबेट की वजह से तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुम्हें डेफिनेटली सेकेंड अल्फाबेट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड अल्फाबेट जो है अलग है, ठीक है। फिर तुम्हारा जो कंफ्यूजन आएगा चौथे और पहले वर्ड के बीच में आएगा, उसको तुम क्लैरिफाई करोगे कैलकुलेशन करके, पोजीशन लिखो, इस सवाल को सॉल्व करो बेटा। चलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं एक मिनट का वक्त, इसमें फटाफट से सवाल को सॉल्व कर लो और मुझे आंसर बता दो, ठीक है, मुझे आंसर बता दो। अरे हो गया क्या? चले भाई, मैं ऐसा मान रहा हूं कि तुमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा, तो हम अब बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल मेरा जो है वो क्या कहता है आइए देख लेते हैं। अगला सवाल मेरा कहता है कि चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, जो कि है रैशनलिज्म, ठीक है, या सॉरी रैशनलाइजेशन। जैसे ही मैं रैशनलाइजेशन वर्ड को देखता हूं मुझे क्या करना है, ऐसा वर्ड निकालना है जो कि रैशनलाइजेशन से बन सकता हो, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। रैशनलाइजेशन से बनने वाला एक वर्ड मुझे निकालना है, ऐसा सवाल भी मैंने तुम्हें करा रखा है, इजी है, फटाफट से कर लो। जैसे ही तुम इस सवाल को सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि जवाब क्या है, राइट। सो रैशनलाइजेशन से निकले हुए अल्फाबेट्स से हमें इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से कोई एक वर्ड ढूंढना है जो कि रैशनलाइजेशन से बन सकता हो। यह सवाल तुम खुद से करोगे, इसको देख लो और हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगला सवाल मेरा कहता है कि एक वर्ड दे रखा है इलॉजिकल। क्या दे रखा है? इलॉजिकल एक वर्ड दे रखा है, उस वर्ड में से कुछ अल्फाबेट्स को निकालना है, यानी कि सेकंड अल्फाबेट को निकालना है, चौथे अल्फाबेट को निकालना है और फिफ्थ अल्फाबेट को निकालना है, देन एट्थ अल्फाबेट को निकालना है और आंसर बता देना है। जैसे ही तुम ये सवाल सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जवाब क्या आने वाला है। तो क्या करना है भाई? चौथा, दूसरा, पांचवा और आठवा अल्फाबेट जरा बाहर निकाल लो। क्या करो?
इलॉजिकल को उठाओ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और एट्थ वर्ड, सॉरी अल्फाबेट को बाहर निकाल लो, एल ओ जी ए, ये जो अल्फाबेट्स हैं इनके दम पे क्या करो, मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। अगर मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं अच्छी बात है, तो उसमें क्या करना है, अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड सो फॉर्म्ड मार्क कर देना है, ठीक है। और इसने फिर आगे स्टेटमेंट दी है, अगर एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो भी मुझे बता दो, अगर एक से ज्यादा शब्द बनते हैं तो क्या करना है, एक्स जो ऑप्शन दे रखा है यानी कि ऑप्शन डी जो दे रखा है उसको तुम्हें जो है मार्क कर देना है। पहला वर्ड जो मुझे दिख रहा है यहां बनता हुआ वो है बेटा गोल। भैया फुटबॉल खेले हो कभी तो तुम्हें पता होगा कि गोल क्या होता है, और अगर फुटबॉल नहीं भी खेले हो तो तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, यानी कि तुम्हारी लाइफ में तुम क्या अचीव करना चाहते हो, वो तुम्हारा गोल कहलाता है, ठीक है। एक वर्ड तो तुम्हारा ये बन गया। दूसरा वर्ड जो तुम्हारा बन रहा है वो बन रहा है ये, क्या बन रहा है, जी ए ओ एल। इसका मतलब क्या होता है सर, हमें तो सिर्फ गोल ही पता था, ये होता है बेटा जेल। क्या होता है, इसका मतलब होता है जेल। अगर तुम कभी गलती से कुछ पाप कर दोगे तो तुम्हें क्या होगी, जेल होगी। पिक्चर देखिए ना भैया, अदालत में क्या होता है, अदालत में कैदी को जेल कर दे दी जाती है या जेल की सजा दे दी जाती है, तो वो जेल इज कॉल्ड एज गाउल, ठीक है। एक तो हुआ गोल और एक हुआ गाउल, चलो दैट इज नोन एज जेल। क्या होता है, जेल होता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। फटाफट से क्वेश्चन को देख लो बेटा, चलो आगे बढ़े। चलिए जैसे ही तुम अगले सवाल की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हें और भी मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा भैया, वाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, ये भी फटाफट से तुम ही करोगे, इसमें भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। इस सवाल को सॉल्व करने में भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने तुम्हें पहले भी सॉल्व करवाए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही तुम इस सवाल को सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि पहले मैंने तुम्हें ये सवाल करा रखा है भैया। जैसे ही तुम इन सवाल को सॉल्व करोगे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने जो है बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे फटाफट से आंसर बता दो। आइए देख लेते हैं कि तुम्हारा सवाल क्या है। तुम्हारा सवाल ये कहता है कि फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड, जो एक ऐसा वर्ड है जो कि बनाया नहीं जा सकता उसको फाइंड करो। जैसे ही तुम इस वर्ड को बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस पर्टिकुलर वर्ड यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग से नहीं बन रहा है। बना रहे हो क्या भैया, जल्दी से बना लो। ऑप्शन तुम ही दोगे, तुम्हारे पास अब है एक मिनट का वक्त। अरे भाई जल्दी कर लो, कर लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। जैसे ही तुमने ऐसा कर लिया होगा तो हम चलेंगे आज के आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है अगर तो मुझे फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर कंफ्यूजन है। भाई अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना, मैं क्या करूंगा, कंफ्यूजन को सॉल्व कर दूंगा बेटा। चलिए आगे बढ़े। अरे बढ़े कि नहीं बढ़े,
बिल्कुल चलते हैं सर, बिल्कुल चलते हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने को तैयार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम्हें पता चल गया होगा इसका जवाब, ऐसा मैं मान रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। अरे अगर अभी भी नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में बता देना भैया, इतना टाइम मैंने दे दिया है तुम लोगों को, और टाइम नहीं दूंगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कहता है, अगला सवाल फिर से एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे लिए मैंने यहां प्रस्तुत किया हुआ है। क्या कहता है, इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सीज आर देयर इन विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वाई बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जे। भैया एक कंडीशन तो ये और दूसरी कंडीशन हुई ये, क्या क्या कहा है। एक कंडीशन तुम्हें दी गई है कि भैया फॉलोड बाय वाई होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन दे रखी है इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जे नहीं होना चाहिए। ये जो शब्द है बट नॉट, इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना भैया। तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो तुम्हारे सामने नजर आ रही होगी, तुम्हें क्या है, जे सी डी वाई, जे सी वाई, ओ जे एच सी वाई वाई वाई, सी आई जे डब्ल्यू सी वाई, ए सी वाई। क्या क्या मतलब होता है इस कंडीशन का जरा मैं तुम्हें बता दूं, बड़े ध्यान से देख लो। फॉलोड बाय वाई, इसका मतलब हुआ कि पहले आना चाहिए वाई, है ना। अरे भाई पहले नहीं आना चाहिए, फॉलोड बाय वाई का मतलब होता है कि वाई जो है सी के आगे आना चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर हुआ तुम्हारा अगला वर्ड जो कि है प्रीसीडेड बाय जे, प्रीसीडेड बाय जे का मतलब होता है कि जे जो है वो पहले आना चाहिए लिखा हुआ है ना। लेकिन यहां कंडीशन दे रखी है तुम्हें नॉट, यानी कि तुम्हारे ऐसे कॉम्बिनेशन या उतने सी तुम्हें फाइंड करने हैं जहां पर वाई जो है आगे आ रहा हो पर जे जो है पीछे नहीं आ रहा हो। ठीक है, कम्स बिफोर यानी कि प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले आने वाला। चलिए तो अगर मैं स्टार्टिंग से सीरीज को देखना शुरू करूं, यानी कि लेफ्ट साइड से सीरीज को देखना शुरू करूं, तो मेरा ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा, पहली चीज जो है इसमें जे जो है पीछे आ रहा है, हमें कहा है नहीं आना चाहिए, और दूसरा जो है वाई जो है यहां नहीं आ रहा है, यहां डी आ रहा है, तो ये कैंसिल। ठीक है, उसके बाद तुम अगला सी देखोगे तो तुम्हारी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, कहां वाई तो आ रहा है पर जे जो है नहीं आना चाहिए वो भी आ रहा है, तो ये भी कैंसिल। फिर क्या करो बेटा, फिर देखो यहां तुम जैसे ही इस सी पे नजर डालोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और दूसरी भी हो रही है। पहली तो क्या थी, फॉलोड बाय वाई, ये आ गया भाई वाई मेरा। उसके बाद था नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय जे, ये जो है पहला सेट मेरा बन गया, पहला सेट मेरा बन गया। ठीक है, यहां एच आ रहा है इमीडिएटली, जे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या करो एक सेट बना लो। उसके बाद जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे तो ये वाला सी जो है ये नहीं आएगा। कौन कौन से सी नहीं आए हैं, ये नहीं आए हैं अभी तक, और ये वाले भी नहीं आए थे। फिर क्या करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ये नजर आएगा एक और सेट। कैसे, पहली कंडीशन वाई जस्ट आगे आना चाहिए, दूसरी कंडीशन जे जस्ट पीछे नहीं आना चाहिए, जस्ट पीछे नहीं आ रहा, जस्ट पीछे डब्ल्यू आ रहा है, एक और सेट बन गया। अगला जो है एक और देख लो भैया, ये एक और सेट बन गया जहां पे कंडीशन वापस से सेटिस्फाई हो रही है, यहां वाई आ रहा है बट पीछे की तरफ जे नहीं आ रहा, यही हमसे पूछा गया था। कितने सेट बन गए, तीन सेट बन गए। कौन कौन से बन गए जरा देख लो, एच सी वाई, ठीक है, डब्ल्यू सी वाई और ए सी वाई, ये तीनों बन गए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, तुम्हें तुम्हारा जवाब सच्चा नजर आने लगेगा। कैसे नजर आने लगेगा, ऐसे नजर आने लगेगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जवाब क्या है। ठीक है, क्या है भैया जवाब, क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि फॉलोड बाय वाई वाली कंडीशन और नॉट प्रीसीडेड बाय जे वाली कंडीशन। मैंने तुम्हें बता दिया प्रीसीडेड का मतलब होता है, प्रीसीडेड का मतलब होता है जो कि पहले आने वाला, यानी कि कम्स बिफोर। ठीक है,
कम्स बिफोर होता है प्रिसीडेड का मतलब, तो जे जस्ट पहले नहीं आना चाहिए और वाई जस्ट बाद में आना चाहिए। ये कंडीशंस यहां तीन सेट में वेरीफाई या सेटिस्फाई हो रही है, वो तीनों सेट मैंने यहां तुम्हारे लिए जमा दिए हैं। तुमसे पूछा है कि कितने सी आ रहे हैं, यानी कि एक, दो और तीन। तुम क्या करो, सी ऑप्शन को मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। जैसे ही तुम सी ऑप्शन को मार्क करते हो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाता है और तुम जो है आज की कक्षा के अंतिम क्षणों में पहुंच रहे हो। कैसे पहुंच रहे हो भैया? क्योंकि वक्त हो चला है मेरे आपसे विदा लेने का, आखिरी क्लास के समाप्त होने का, इसीलिए कह रहा हूं कि इस क्लास के अंतिम क्षणों में पहुंच चुके हो। जैसे ही तुम अंतिम क्षणों में पहुंचते हो, तो फिर से वही जो है विदाई की बेला वाला गीत हम गाएंगे। कैसे गाएंगे बेटा? आइए आपको बताते हैं कि हम आपकी विदाई की बेला वाला गीत कैसे गाएंगे। पहले तो हम आपसे ये कहेंगे कि अगर आप लोगों को जो है आज का वीडियो पसंद आया हो, तो उसको कृपया लाइक कर दीजिए। फिर हम आपसे ये कहेंगे कि लाइक अगर कर ही दिया है, तो बेटा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को जो है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि तुम्हारे पास जो है ये सब्सक्रिप्शन आ जाए और मुझे पता चल जाए कि एक नया व्यूअर मेरे पास आया था या बहुत सारे नए व्यूअर्स मेरे पास आए थे। फिर क्या करना है कि ये घंटी जो वहां तुम्हें दिख रही होगी लाल रंग में, यहां तुम्हारे जो घंटी का रंग है वो काला है, बट वहां YouTube के ऊपर तुम्हें वो लाल रंग में दिख रही होगी, उसको फटाफट से दबा देना। उसको जैसे ही तुम दबाओगे, तो क्या होगा बेटा, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अगर आज के होमवर्क की हम बात करें, तो एक्सरसाइज 2 भी आज की क्लास के बाद तुम लोग डेफिनेटली कर सकते हो। तो फटाफट से अगर एक्सरसाइज 2 के अंदर तुम्हारा कोई सवाल छूटा हुआ हो, तो उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली कक्षा के बाद कह दिया था कि भैया एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें सारे टॉपिक्स के जो सवाल हैं वो करा दिए हैं। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, तो आज की क्लास देखने के बाद तुम्हारा सारा कंफ्यूजन मिट गया होगा और तुमने एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 जो है कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि अगले वीडियो में हम जो है तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अगर तुम लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और साथ ही साथ तुम लोगों ने पैकेज जो है हमारी वेबसाइट से खरीद रखा है और होमवर्क तुम लोगों ने किया है, तो ही तुम्हारे पास वो वीडियो आएगा, अदरवाइज तुम्हें नहीं पता चलेगा कि वो वीडियो क्या है जिसमें हमने एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया है। एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, talkingtextbooks.com को जो है आपको जाना है, विजिट करना है, वहां जाकर के अपनी क्लास का पैकेज सेलेक्ट करना है, खरीदना है और उसको अपने पैकेज को अपने पास बुला लेना है हमारी टेक्निकल टीम द्वारा, और फिर जो है होमवर्क करते रहना है और तीसरे वीडियो की तरफ हमें आगे बढ़ जाना है। अगर तुम लोगों ने टॉकिंग टेक्स्ट बुक से अभी भी अपना पैकेज नहीं खरीदा है, तो फटाफट से जाओ पैकेज खरीदो। और पैकेज खरीदने के साथ साथ बेटा क्या करो कि जैसे ही तुम पैकेज खरीदते हो, तो तुम्हें लगाना है AK लाइव कोड। इस AK लाइव कोड को जैसे ही तुम लगाते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है, 30% या 30% का जो है छूट मिलती है और तुम्हें जो है बहुत ही मजा आ जाता है। ठीक है, 30% की छूट पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगे और ऐसी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगी और तुम फटाफट से होमवर्क कर लोगे और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो क्या करना है, जैसे ही तुम पैकेज खरीद लेते हो, तुम्हें जो छोटी सी चीज करनी है वो क्या करनी है, आइए बता देता हूं एक बार फिर से। वर्मा 1204 पे तुम्हें मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है कि सर मैंने पैकेज खरीद लिया है। ठीक है, अगर पैकेज खरीद लिया है और टेलीग्राम आईडी तुम्हें नहीं नजर आ रही है, तो तुम क्या करो, 9549043333 पे मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता दो कि सर आपकी मदद से मैंने जो है पैकेज खरीद लिया है और अब मुझे क्या करना है, तो तुम्हें मैं गाइड कर दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज के वीडियो से विदाई लेते हैं और अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, क्योंकि हम मिलेंगे थोड़े से अंतराल के बाद, यानी कि अगले गुरुवार को। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।